यदि आज ये बंधनों में है पिता, आज ये बेड़ियों में जकड़े हैं पिता परमेश्वर, यदि आज प्रभु अंधकार में है पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ वो बंधन खुल जाए प्रभु, वो बंधन यीशु मसीह के नाम से गल कर टूट जाए प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन को बंधनों में व्यतीत कर रहे हों, या फिर आप किसी भी प्रकार के बंधनों में हो, तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि प्रभु आपको हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा देगा। न्याय की किताब उसका 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब एक बार फिलिस्ती लोग सिमसोन को पकड़ने के लिए गए तो उन्होंने यहूदियों से बातचीत की। तब यहूदी लोग सिमसोन के पास गए और उन्होंने सिमसोन से कहा कि हम तुझे पकड़ने के लिए आए हैं ताकि तुझे लेकर फिलिस्तियों के पास ले जाया जा सके, और तब उन्होंने सिमसोन को बांध लिया, उन्होंने रस्सियों से सिमसोन को बांध लिया और सिमसोन को लेकर वो फिलिस्तियों के पास गए। जब वो उसे फिलिस्तियों के पास लेकर गए तो फिलिस्ती लोग सिमसोन को ललकारने लगे, युद्ध के लिए ललकारने लगे, और तब परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, न्याय की किताब उसका 15 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथ के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब फिलिस्ती लोग सिमसोन को ललकार रहे थे उस समय परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के ऊपर बल से उतरा, और लिखा है कि सिमसोन को जिन रस्सियों से बांधा गया था वो गल गई, वो ऐसे हो गया मानो आग में जल गई हो, उसकी बाहों की रस्सियां आग में जैसे जल गई हो और उसके हाथों के बंधन मानो गल गए हों, वो रस्सियां अपने आप टूट पड़ी। ये कैसे हुआ? यहां पर परमेश्वर का आत्मा जब सिमसोन के ऊपर उतरा तब उसके सारे बंधन टूट गए, तब उसके सारे बंधन खुल गए। दोस्तों, हो सकता है आप अनेक प्रकार के बंधनों में हो, तो मैं आज आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का आत्मा आपको हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा देगा, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा देगा परमेश्वर का आत्मा। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, यदि आप उसकी करीबी में जाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, और जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा तो आप हर एक बंधन से आज़ाद हो जाएंगे, हर एक बंधन से आप छुटकारा पा जाएंगे। तब मानो वो बंधन आपके जीवन से, आपके परिवार से ऐसे ही गल जाएंगे, ऐसे ही पिघल जाएंगे, आग के समान वो जल जाएंगे, जैसे हम यहां पर देखते हैं। और तब परमेश्वर ने सिमसोन को उन फिलिस्तियों पर विजयी कर दिया, यहां पर युद्ध हुआ और वो विजयी हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी विजयी करेगा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि जो कोई मांगेगा प्रभु उसे पवित्र आत्मा का दान देगा, प्रभु यीशु मसीह उसे पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भी भरेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रार्थना करते रहें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको भी प्रभु अपनी आत्मा से भरेंगे, और जब प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरेंगे तो आप हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जय सबको, जय मसीह की। मैं कानपुर से राजकुमारी बोल रही हूँ, और मेरी गवाही ये है कि मेरे बेटे के हाथ में, पैर में बहुत घाव हो गया था, कितनों इलाज कर रहे थे, सही नहीं हो रहा था। इसलिए प्रभु यीशु को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कर रही हूँ, अब वो घाव सब सही हो गया है। अमृता दीदी को भी और पीके भैया को भी प्रभु आशीषित करे, आपको टीम को भी आशीषित करे, सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे न्याय प्रभु, हम सब पर दया करने वाले, प्रेम करने वाले पवित्र यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता, आपके नाम को सम्मान और आदर देते परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम सबके जीवनों से प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु हम घटे परमेश्वर और तू बढ़े, प्रभु तेरी जय जयकार हो, प्रभु तेरा सम्मान परमेश्वर प्रभु हम अपने हृदय की गहराइयों से करते हैं, प्रभु तेरी तारीफ हम हृदय की गहराइयों से करते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा देते परमेश्वर। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस शाम में मेरे पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु वो आपकी उपस्थिति को महसूस करें, प्रभु होली स्पिरिट आप उन्हें गाइड करें, होली स्पिरिट हर एक को आप जुम्बिस करें। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरा वचन के अनुसार प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है और तेरी उस पवित्र उपस्थिति के लिए हम प्रभु तहे दिल से धन्यवाद करते। आज हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दे रहा है और दिन भर में प्रभु जो तूने अपने लोगों को सेफ किया, प्रोटेक्ट किया, उनकी सहायता किया, दुर्घटनाओं से बचाया, नुकसान से बचाया और सुरक्षित घरों को पहुंचाया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा करते हैं प्रभु। मेरे प्रभु जी आज की शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह पिता, दिन भर में यदि कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गलत काम, कोई भी ऐसा गुनाह प्रभु जो हमसे हुआ है प्रभु, उन बातों के लिए हम क्षमा को मांगते हैं। आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें, आप अपने लोगों के अधर्म के कामों को दूर करें प्रभु, उन्हें क्षमा करें, उन्हें पवित्र करें, उन्हें अपने लहू से धोए प्रभु, अपनी आत्मा के चलाए हुए आप उन्हें चलाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद हर एक जो इस समय पश्चाताप कर रहा है, हर एक जो इस समय गुनाहों की माफी मांग रहा है प्रभु, आपने उन्हें क्षमा किया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तू दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम तो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं पिता। लॉर्ड आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है जो समस्या, परेशानी, दुख, बीमारी और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं प्रभु यीशु, आज वो सल्यूशन अपने जीवन में लेकर जाए, आज वो चंगाई, छुटकारा, शांति, आनंद अपने जीवन में लेकर जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु यीशु आज जो वचन के द्वारा आपने ब्लेस किया, जो आत्मिक भोजन आपने हमें दिया, सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु तेरा आत्मा परमेश्वर शिमशोन में उतरा प्रभु जी और उसके बंधन प्रभु यीशु मसीह गल के टूट गए परमेश्वर पिता, और उसकी रस्सियां मानो आग के सन के समान हो गई परमेश्वर पिता, मेरे खुदा इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज अपनी बेटे बेटियों को परमेश्वर अपने आत्मा से अभिषेक करे प्रभु, आज आपका पाक रूह उनके जीवन में उतर आए प्रभु जी। यदि आज भी परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु कमी घटियां हैं, अपने जीवन में अपने आप को कम महसूस कर रहे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा उनमें उतर आए परमेश्वर, वो बल्ब के साथ में इनके जीवनों में उतर आए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि आज ये बंधनों में है पिता, आज ये बेड़ियों में जकड़े हैं पिता परमेश्वर, यदि आज प्रभु अंधकार में है पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ वो बंधन खुल जाएं प्रभु जी, वो बंधन यीशु मसीह के नाम से गल कर टूट जाएं प्रभु जी, वो प्रभु हर एक बाधाएं यीशु के नाम से बिखर कर निकल जाएं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन की वो मुश्किलें दूर हो जाएं मेरे खुदावन, और प्रभु ऐसे समय में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे, स्थिर करे, विश्वास में स्थिर करे, ताकि विश्वास की नींव पर प्रभु जी जब ये खड़े होते हैं प्रभु, तो प्रभु इन सारी समस्या बंधनों से प्रभु जी ये आजाद होने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, मैं दुआ करती हूँ विशेषकर जितने लोग आज दुष्ट आत्मा के बंधनों में है पिता, दुष्ट से प्रभु वो ग्रसित हैं, दुष्ट उनके जीवनों में कार्य कर रहा है प्रभु, इनके जीवन में तेरे आत्मा के कार्य को चाहते प्रभु यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा को हम उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं, इसी समय सारे बंधन खुल जाए, इसी समय वो दुष्ट आत्माएं निकल कर अथाह कुंड में चली जाए यीशु के नाम से, ये आजाद हो जाए प्रभु जी। मैं थैंक यू लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने बेटे बेटियों की सहायता किया, उनके बंधनों को तोड़ दिया प्रभु, उनके प्रभु यीशु मसीह रस्सियों को खोल दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यदि आज भी ये सीमित दायरे में है परमेश्वर पिता, इनके दायरों को खोलें परमेश्वर, और प्रभु इनके दायरों को बढ़ाइए परमेश्वर पिता, इन्हें आशीषित करें प्रभु यीशु, इन्हें सम्मानित करें प्रभु, इन्हें आदर का बर्तन आप बनाए परमेश्वर पिता। इनके जीवन में जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं, लड़ाई, झगड़े, कलेश हैं, आपसी मन मिटाव है परमेश्वर, दुनिया के लोग परमेश्वर इन्हें तुच्छ जानते प्रभु, तो ऐसे लोगों के सामने प्रभु आप इनके मस्तक को ऊंचा करें, और इनकी विनती प्रार्थना जो आज की शाम में प्रभु वो मिलकर इस प्रार्थना में प्रभु आपके सम्मुख रख रहे हैं पिता यीशु मसीह, आप उन भाई बहनों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके परिवार में परमेश्वर, उनके जॉब के क्षेत्र में, उनके अन्य क्षेत्रों में प्रभु जी आप कार्य कीजिए, जो मांग रहे हैं प्रभु आपने सुन लिया है, क्योंकि आप सुनने वाले और सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दिए
दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं जानते कि किस सिचुएशन से ये गुजर रहे, परंतु ये आपके सम्मुख इस प्रार्थना के माध्यम से उसे बयां कर रहे हैं। पिता यीशु सुने प्रभु, आप उत्तर दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, और विशेष का तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। आज रात में प्रभु हम प्रार्थना करते, जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह प्रभु डरते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में नेगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है, नेगेटिव बातें उनके जीवन में कार्य कर रही हैं, यीशु के नाम से उस नेगेटिविटी को, उस डर को, उस सारी तकलीफ को हम दूर करते हैं पिता, और आप इन्हें आज़ाद करें। जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं प्रभु, शारीरिक रोग उन्हें लगे हैं प्रभु, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मेंटली, स्पिरिचुअली एंड प्रभु यीशु मसीह फिजिकली प्रभु आप उन्हें हील करें परमेश्वर। इसी समय सारी बीमारियां, सारे रोग इनके शरीर से नष्ट करते यीशु मसीह के नाम से। इनके हर एक दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं, हर एक चोट को पिता परमेश्वर चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हर एक हड्डियों को जुड़ने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। और सर से लेकर पैरों तक प्रभु आपने इन्हें छुआ, चंगा किया, इनके रोगों को नष्ट किया, इनके घावों को आपने प्रभु यीशु चंगा किया, इनके प्रभु बंधनों में परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु दुष्ट के द्वारा बीमार हुए हैं पिता, बीमारी उनके जीवन में, जिन बीमारियों को कोई भी पता नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से उन बीमारियों को हम जाने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आज रात में सुकून भरी, सुख भरी नींद अपने लोगों को दे प्रभु, और धन्यवाद कि आपने दे दी है कि जब वो सोते हैं तो चैन से वो सोएं और नया दिन पिता कल तेरे साथ में देखकर तेरी बारंबार महिमा करे प्रभु। धन्यवाद। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आज की शाम में प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने आशा विश्वास के साथ में, इस उम्मीद में भेजा है कि तू उनके जीवन में कार्य करेगा। हाँ प्रभु, आज ही शाम से परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करना शुरू करें, क्योंकि आपने उनकी विनती को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, आपके बेटे बेटियां जो भूख प्यास के साथ में प्रभु निरंतर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं प्रभु जी, मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें और अधिकाई से बढ़ाइए, क्योंकि आपके आने का समय बहुत ज़्यादा निकट है परमेश्वर पिता, और वो तैयारी में लगे रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में तुझे महिमा देते हुए, आदर देते हुए प्रभु जी, और प्रभु तेरी तारीफ करते हुए इस प्रार्थना को तेरे आगे रखते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।